गोरखपुर जिले में शुक्रवार को 221 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। एक कोरोना संक्रमित बुजुर्ग महिला की रेलवे अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब गोरखपुर में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,011 हो गई है। अब तक 261 कोरोना संक्रमित मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 13,884 लोगों की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। वहीं जिले में अभी भी 1,866 कोरोना संक्रमित मरीज एक्टिव हैं। इसकी पुष्टि सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि संक्रमितों के परिजनों की जांच कराई जाएगी, साथ ही उनके संपर्क में आने वाले लोगों की तलाश शुरू कर दी गई है। आपको बताते चलें कि अगर शहर की बात करें तो 101 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इनमें कैंट थाना क्षेत्र में शुक्रवार को सबसे अधिक 35 मरीज शामिल हैं। इसके अलावा गोरखनाथ थाना क्षेत्र में 13, शाहपुर थाना क्षेत्र में 19, रामगढ़ताल क्षेत्र में 4, कोतवाली में 13, गुलहरिया में 4, राजघाट में 10, चिल्वाताल में 1, तिवारीपुर में 2 मरीज मिले हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 96 नए मरीज मिले हैं। इनमें चरगावा में 10, खोराबार में 10, पिपराइच में 5, कैंपियरगंज में 2, ब्रह्मपुर में 2, खजनी में 7, सरदारनगर में 15, बड़हलगंज में 7, कौड़ीराम में 6, पिपरौली में 5, भटहट में 1, सहजनवा में 7, बांसगांव में 7, गोला में 1, उरवा में 2, गगहा में 9 मरीज मिले हैं। इसके अलावा अलग अलग थाना क्षेत्रों में 24 मरीज और शामिल हैं। इसकी पुष्टि करते हुए सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने बताया कि जिन जगहों पर कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है। साथ ही लोगों से विशेष सावधानियों को बरतने की अपील भी की जा रही है। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, सामाजिक दूरी का करें पालन, अपने और अपने परिवार को बनाएं स्वस्थ और सुरक्षित।